फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आए अपने पड़ोस में, हमारे गांव पिपरावा। यहां पे सब खेती बाड़ी हरी भरी होती है, सब्जी वगैरह यहां पे उगाई जाती है। तो हमने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देते। आए थे यहां पे एक चक्की, तो आटा डालने गेहूं डाल गए थे तो पिस गया, तो हमने सोचा चलो उठा लेते, आप लोगों को भी दिखा देते थोड़ा बहुत। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते, आप लोग भी देखिए और चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। देख लीजिए, जैसे हमारे पीछे सब आप लोगों को आलू दिख रहा, आलू बोया हुआ है, ये देख लीजिए, वहाँ तक दूर दूर तक उसको आलू दिख रहा होगा। अब वो जो आप लोगों को दिख रहा है वो मुर्गी फार्म है, उसमें मुर्गी पाली जाती है और मुर्गी वगैरह यहाँ पे देख रहे, आलू वगैरह बोया हुआ है। तो आप लोगों को आगे चलते हैं, आप लोगों को आगे दिखाते हैं। वहाँ पर गोभी टमाटर वगैरह की सारी फसल लगी हुई, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए आप लोग देख, ये देख लीजिए दोस्तों, ये सब टमाटर लगा हुआ है इधर, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, अभी देख ले कच्चा टमाटर है अभी, ये देखिए ये सब लगा हुआ है, देखिए अभी कच्चा टमाटर है इधर, जब पक जाएगा तब बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। इधर देख रहे दूर दूर तक सब टमाटर की ये फसल लगी हुई है, ये देख लीजिए आप लोगों को, हमने सोचा चलो आप लोगों को दिखाते हैं टमाटर की खेती कैसे कैसे होती है। ये देख लीजिए इधर सब अभी टमाटर लगा हुआ है, ये देखिए भाई निकाल रहे हैं घास वगैरह जो हो जाती है, ये देख लीजिए आप लोगों को दिखाते हैं, इधर लगा हुआ है, ये देखिए इधर भी टमाटर लगा हुआ है, और ये पालक लगी हुई इधर, ये देख लीजिए ये पालक लगी हुई, यहाँ पे जो है ताज़ी ताज़ी यहाँ पे सब्जी मिल जाती है, ये देख लीजिए। तो आप लोगों को दिखाते हैं गोभी की फसल दिखाते हैं, और देखिए फिर आप लोगों को आगे चलते हैं, आप लोग ना सबको दिखाएंगे आप लोगों को, तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, अगर कहीं पर गलती हो जाए तो कमेंट करिएगा। देख लीजिए यहाँ पर दूर दूर तक आप लोगों को सब्जी की खेती यहाँ पे ज़्यादा होती है, यहाँ पे सब्जी ज़्यादा उगाई जाती है, हरी भरी सब सब्जियाँ यहीं पे होती हैं। तो हमने सोचा देख लीजिए टमाटर कितने अच्छे लगते हैं, ये देखिए बहुत अच्छा लगता है भाई इस खेत में। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे अपना लहसुन बोया हुआ है, और ये देखिए सब गोभी लगी हुई है, ये देखिए यहाँ तक अभी इसमें फूल नहीं आया, अभी लगी हुई है। और ये जो बोई हुई है ये गोभी वाली भेड़ बोई हुई, जब ये वाली गोभी कट जाएगी तो इसको काट के वो वाली गोभी लगाई जाएगी। तो देख लीजिए इधर सब दूर दूर तक सब आपको नज़र ही आ रही है, सब सब्जी की खेती होती है इधर, देख लीजिए बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी सब्जी लेना आप लोगों को मिल जाएगी। तो हमने सोचा चलो आप लोगों को भी आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आप लोगों को सारा सब कुछ दिखाते हैं आज। ये देखिए दोस्तों, अभी कल परसों में लगाई गई गोभी, ये देख लीजिए, और इधर देख लीजिए वो सब गोभी लगी हुई है इधर, और उधर देख लीजिए दूर दूर तक आपको धनिया मिर्चा सब की खेती, यहाँ पे सब्जियों की खेती होती है ज़्यादातर, देख लीजिए यहाँ पे जो भी ताज़ी सब्जी मिल जाती है हरी भरी, जितने समय चाहो उतने समय मिल जाएगी आप लोगों को, देख लीजिए। तो हमने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा, चलिए आगे आप लोगों को और दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी गोभी कितनी अच्छी लगी हुई है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, तो देख लीजिए दोस्तों। अब चल रहे हैं, गेहूँ डाल गए थे चक्की पे, तो चल रहे हैं आटा उठाने के लिए। दूसरे गाँव में चक्की लगी हुई है, हमारे गाँव में लगी हुई है, मगर हमारे गाँव वाले बढ़िया नहीं पीसते, तो हम दूसरे गाँव में डाल गए थे आटा, तो अब चल रहे हैं आटा उठाने के लिए। देख लीजिए ये गाँव का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, देख लीजिए, और यहाँ पे कितने मोड़ हैं, देख लीजिए आप लोग, देखिए कितना अच्छा लगता है यहाँ का। आज संडे है तो देख लीजिए सभी बच्चे खेल रहे हैं, और धूप निकली तो फिर सभी लोग बच्चे जाड़ों में बढ़िया से अच्छे धूप में खेल रहे हैं, और देख लीजिए कितना अच्छा लगता है गांव में, ये देख लीजिए सब बकरियाँ वगैरह सब खुली हुई हैं। अभी चक्की आप लोगों को चलते हैं, और चक्की पर भी दिखाएँगे आप लोगों को, तो इन्जॉय करते रहिए। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त। ये देखिए कितने बहुत बड़ा गाँव है, ये कम से कम हमारे गांव के इतने कम 6 गांव निकलेंगे इसमें, बहुत बड़ी गांव है। तो अभी आगे हमारी चक्की आने वाली है, आप लोगों को दिखाते हैं। मैं चक्की गांव देहात में अभी भी चक्की जो है अभी इंजन वगैरह से चलती हैं। तो एक जगह हम गए थे हमारे पड़ोस में ही, थोड़ा दूर पे 25-30 किलोमीटर, वहाँ पर सोलर से चलती है, प्लांट लगा हुआ सोलर से, तो वहाँ पर सोलर से धूप से चक्की चलती है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। देख लीजिए ये आ गई हमारी चक्की, ये देखिए, तो अभी उतरते हैं, और ये देख लीजिए ये यहाँ का नज़ारा, ऐसा नज़ारा, बकरियाँ वगैरह सब बैठी हुई हैं, देख लीजिए ऐसा लगता है। और ये हमारा आटा पिसा हुआ रखा हुआ है, तो अभी इस पे जहाँ पे भी वजन करेंगे कितना था, कितना ये था 30 किलो 600 ग्राम था गेहूँ डाल के, तो अभी देखते हैं गेहूँ आटा कितना हो गया हमारा, ये देख तराजू पर रख दिए, तो अभी देखते हैं उस पर। ये देख लीजिए अभी भी गाँव में चक्की वगैरह सब उससे इंजन से ही चलती हैं, और देख लीजिए नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है इस समय, देख लीजिए गांव देहात का मज़ा ही कुछ और भाई। अब इनसे गांव में तो आटा पिसवा के धुल के बढ़िया से पिसवा के खाएं, जो शहर मिले थे, ये देख लीजिए हमारा आटा पूरा है, ये देख लीजिए। तो अब उठाते हैं इनको और ले चलते हैं घर पे, आप लोग मिलते हैं।
तो देखिए दोस्तों, मैं इस समय आ चुका हूँ खेत की तरफ। तो हमने सोचा खेत का भी नजारा देख लेना, खेत जोतने वाला हो गया है कि नहीं। तो देखिए अभी तो खेत भी नहीं जोतने वाला, अभी ट्रैक्टर इसमें नहीं चल पाया। अभी लाते हैं ट्रैक्टर, अभी लाएंगे, अभी देखेंगे अगर चलेगा जुतवा देंगे, अगर नहीं चलेगा तो नहीं जुतवा पाएंगे। चलिए फिर आप लोगों को दिखाते हैं। देख लीजिए ऐसा हो गया, 10 दिन हो गए हैं इसको पलटे हुए, बेलों से पलटवाया था। देख लीजिए इसमें ऐसा हो गया, अभी तो इसमें ये वाला तो जुत जाएगा पर वो वाला नहीं जुत पाएगा। ये वाला जो इधर पड़ा हुआ है इसमें बहुत गीला है, इधर बहुत गीला हुआ है, इसमें तो चल जाएगा, इसमें तो ट्रैक्टर चल जाएगा, इसमें तो पैर तो नहीं, वो तो उधर उस वाले में तो बहुत ज़्यादा गीला है अभी, उसमें ट्रैक्टर तो चल नहीं चल पाएगा। इसमें चलो देखेंगे, अभी लाएंगे ट्रैक्टर, चल पाएगा जुतवा देंगे तो लाते हैं। अपना तो खुद का तो ट्रैक्टर भी नहीं जो अपने लगा के जो देंगे, किराए से लाएंगे वही उससे ही से जुतवा पाएंगे। तो चले और आप लोगों को भी दिखाते हैं, तो चलिए फिर चलते हैं। दोस्तों गए थे ट्रैक्टर वाले के पास, ट्रैक्टर तो अभी खाली नहीं, उनका ट्रैक्टर गया है गेट को गन्ना लेके। तो दोस्तों आज के लिए बस, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों में शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को गाँव से रिलेटेड और हमारे यहाँ की जितनी अच्छी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा, और जहाँ भी जाऊँगा आप लोगों को दिखाता रहूँगा। दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।